जय हिंद साथियों। वाराणसी, मेरठ, बरेली, अलवर व झुंझुनू सेना भर्ती के बाद अब जोधपुर एयरो की ओर से नागौर में कराई जाने वाली सेना भर्ती रैली को लेकर भी एक मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस मैसेज में बताया जा रहा है कि नागौर में 4 से 24 अक्टूबर तक सेना भर्ती रैली कराई जाएगी और 25 अगस्त यानी आज से 2 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस मैसेज में यह भी बताया गया है कि रविवार को अवकाश के दिन भी सेना के अधिकारी व नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भर्ती की तैयारियों पर चर्चा की गई है। साथ ही वीसी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां दिए जाने की भी बातें कही जा रही हैं। और एक इसमें हंसने वाली बात यह भी है कि इस मैसेज में बताया जा रहा है कि डी न्यूज वालों की तबीयत खराब होने के चलते वीडियो वो अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो देखिए साथियों, इस मैसेज के वायरल होने के बाद राजस्थान पत्रिका ने नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से इस संदर्भ में बात की है। उन्हें इस मैसेज के बारे में पूरी जानकारी दी है, जिस पर उन्होंने बताया कि अभी इस संबंध में ऐसी कोई मीटिंग या वीसी इन दिनों में नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इतना संकेत जरूर दिया है कि 1 से 2 दिन में सेना भर्ती रैली को लेकर कुछ हलचल हो सकती है। यानी नागौर सेना भर्ती को लेकर सेना के अधिकारियों के साथ में मीटिंग या वीसी आगामी दिनों में हो सकती है, क्योंकि सेना भर्ती रैली को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं और कभी भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो सकते हैं। इसको लेकर भी नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले नागौर सेना भर्ती को भी पोस्टपोन किए जाने को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ था, लेकिन हमने सेना भर्ती कार्यालय में बात करके आपको उस समय भी उसका पूरा सच बताया था, जिसमें आपको बताया था कि अभी सेना भर्ती को पोस्टपोन किए जाने को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जिस तरह वाराणसी सेना भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया और फिर मेरठ व बरेली सेना भर्ती को लेकर जिस तरह हलचल थम सी गई है, उसे देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे थे कि नागौर सेना भर्ती को भी अब पोस्टपोन किया जाएगा। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक नागौर सेना भर्ती को पोस्टपोन करने जैसी कोई जानकारी नहीं है, बल्कि सेना भर्ती कराए जाने को लेकर तो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। तो साथियों, इसके अलावा सेना भर्तियों को लेकर जो भी अपडेट हमें मिलेगी तो हम आपको उससे भी अवगत कराते रहेंगे। साथ ही दूसरे सेना भर्ती कार्यालयों की सेना भर्तियों को लेकर भी हम जल्द ही आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि सेना भर्ती एग्जाम किन कारणों से पोस्टपोन हुआ है और अभी एग्जाम है वो कब तक होने की संभावना है। तो साथियों, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।